नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। जहां अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 के काम में लगे कर्मचारी दूसरों की जान बचाने पर लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कर्मचारियों से नाजायज काम कराने के लिए दबाव बनाते हैं, और जब यह कर्मचारी ऐसा करने से मना करते हैं तो उनके साथ गाली गलौच, अभद्रता और मारपीट तक कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला आज मेडिकल कॉलेज झांसी में घटित हुआ, जहां कोविड-19 सैंपलिंग टीम के कर्मचारियों के साथ एक दबंग व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के पास जांच कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट, बदसलूकी और गाली गलौज जैसी घटना को अंजाम दे दिया। चौकी यूनिवर्सिटी मेडिकल थाना नवाबा झांसी में प्रार्थना पत्र देते हुए कोविड-19 सैंपलिंग टीम के कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि रोज की तरह आज भी उनकी टीम मेडिकल के सामने ओपीडी पर आने वाले मरीजों की कोविड-19 की सैंपलिंग का काम कर रहे थे। तभी वहां एक दबंग व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और काउंटर पर तैनात कर्मचारी से कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए कहने लगा। इस पर तैनात कर्मचारी ने जब मना किया तो उक्त दबंग व्यक्ति ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। तभी वहां मौजूद अन्य कर्मचारी भी आ गए, जिन्होंने उक्त व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस दबंग व्यक्ति ने अन्य कर्मचारियों के साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी और बाद में बाहर से अपने एक और साथी को लेकर आ गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। उक्त कर्मचारियों ने बताया कि इस प्रकार आज का पूरा काम प्रभावित हुआ है और वे अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने प्रशासन से उक्त दबंग व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी को भी सूचित किया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सेलन गौतम। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम लोग कोविड टीम में सैंपलिंग कर रहे थे। सैंपलिंग द्वारा कुछ सज्जन जी आए, उन्होंने गाली गलौज प्लस गालीबान पकड़ के बदतमीजी और गुंडागर्दी की हरकतें की और कार नहीं करने दिया। और कितने लोग थे आप? हम लोग थे, सात टीमें थी हम लोगों की। कौन कौन मौजूद थे? मौजूद हम लोग में से पुनीत राजपूत, अशोक कुमार, अमित कुमार, सत्येंद्र कुमार, शैलन गौतम, राजेश गौतम, महेंद्र कुमार, आशु अहबा, शिव प्रताप, राहुल गार्ड, रोहित लेखवार, फूल सिंह, रमेश साकिया। आपने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया किसी को? ज्ञापन दिया है हमने, मुझे अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है और भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। सीएमओ साहब को आपने ज्ञापन दिया? हाँ दिया है। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उनका कार्रवाई होगी कहा है उन्होंने। कार्रवाई जाने कब होगी? कार्रवाई होगी जी कहा। आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया है? हाँ दिया है, कार्रवाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।